नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 के एक अध्याय की जो कि हमारी पूरक पाठ्यपुस्तक प्रतिका से है। और आज का हमारा अध्याय है रीढ़ की हड्डी। और यहाँ इस अध्याय में, इस एकांकी में बताया गया है, सामाजिक खोखलेपन पर व्यंग किया गया है कि जो समाज है वो दिखाता कुछ और है और वास्तव में उसकी अंदर की जो धारणाएं हैं, उसका जो हृदय है वो कुछ अलग मांगता है, ठीक है ना। तो क्या कहा गया है कि इसमें एकांकी की जो मुख्य पात्र है उमा, वो एक साहसी लड़की है और मेहनती है, परिश्रमी है और सर्वगुण संपन्न है, ठीक है ना। तो वो क्या करती है वो उन लोगों को बजा चखाती है या सबक सिखाती है जो लोग दिखावा पसंद हैं, ठीक है ना। जैसे कि लड़के का जो पिता है, जो उमा को देखने आते हैं, वो जो लड़का है शंकर, और शंकर के पिता जब लड़की के घर अर्थात उमा के घर आते हैं और उनके उस उमा के अंदर बहुत सी कमियां निकालते हैं, मीनमेक निकालते हैं, उनसे बहुत सारे सवाल करते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पर लड़की को पूछने का कोई हक नहीं है, ठीक है, लड़की को सवाल करने का कोई हक नहीं है और कुछ जानकारी लेने का भी कोई उसको अधिकार नहीं है, केवल पुरुष को अधिकार है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है और ऐसे ही समाज में वो जी रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कुछ बदलाव नहीं किया है। लड़के का जो पिता है वो यद्यपि शिक्षित परिवार से है, वकील है, समाज सोसाइटी में वो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसी बहू चाहते हैं जो कि कॉलेज ना पढ़ी हो, ठीक है, उसको इतना ज्ञान नहीं होना चाहिए, इतनी पढ़ी भी नहीं चाहिए, उनको मैडम नहीं चाहिए, उनको घर के काम में या घर में, घर तक ही सीमित रहने वाली महिला उनको चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें बताया गया है कि वो आधुनिक समाज में रह रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो मानसिकता है वो क्या है, पुराने समय की है, रूढ़िवादी या अंधविश्वासी उनकी जो मानसिकता है वो धारण किए हुए हैं। तो समझते हैं चैप्टर को कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद द्वारा अतीत की तुलना वर्तमान से करना असंगत है। कि रामस्वरूप कौन है, ये लड़की के पिता है, लड़की के पिता है, और गोपाल प्रसाद लड़के का पिता है। ये गोपाल प्रसाद जी जब रामस्वरूप जी के घर जाते हैं, किसको देखने के लिए, उमा को देखने के लिए, तो वहाँ पर बातचीत करते हैं और वो बातों बातों में अपने समय की भी बात वो छेड़ देते हैं, यानी पुराने समय की भी वो बात करते हैं और कहते हैं कि आज के समय से तो अच्छा पुराना समय था, अतीत का जो समय था, हमारा जो, हमारी जो जवानी थी उस समय कितना अच्छा वो समय हुआ करता था, ठीक है ना। तो उस आज के समय की तुलना अतीत से करना ये सर्वथा क्या है, अनुचित है और असंगत है, रिलेवेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसा करना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि समय के अनुसार परिस्थितियां बदल जाती है, ठीक है। हो सकता है कि मनुष्य जो पैसे वाला था वो गरीब हो सकता है, वो अमीर हो सकता है, ठीक है ना, सुविधाएं बदल जाती हैं, ठीक है ना। तो समय के अनुसार बदलना तो एक, ठीक है, एक संसार का नियम है, जो है परिवर्तन तो संसार का नियम है, बदलना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके अनुसार हमको अपना माइंडसेट भी बदल लेना चाहिए, हमारी जो मानसिकता है उसको भी बदलना चाहिए, ठीक है। हमें भी समय के अनुसार अगर हम नहीं बदलेंगे, पुरानी विचारधारा को ही लेते हुए चलेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि पुरानी जो चीज़ें थी वो अब क्या हो जाती है, आधुनिक समय में वो असंगत हो जाती है। कई, मान लीजिए कोई संचार के साधन है, तो पहले अलग कम्युनिकेशन की चीज़ें थी, अब अलग प्रकार की कम्युनिकेशन आ गए, संचार के साधन में चेंज हो गया है। तो पुरानी जो चीज़ें हैं, पुराने जो संसाधन हैं, वो क्या हो जाते हैं, रिलेवेंट नहीं रहते हैं। तो हमें उनको क्या कर देना चाहिए, उनको त्याग देना चाहिए, नई मानसिकता को,
ग्रहण करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तो वो जो दोनों राम प्रसाद और गोपाल, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद जो हैं, वो अपने पुराने समय की तुलना वर्तमान समय से करना चाहते हैं कि पुराना समय बहुत अच्छा था, ठीक है, हम इस प्रकार रहते थे, तो ये सब करना अनुचित है, ठीक है। नेक्स्ट है राम स्वरूप का विरोधाभासी आचरण। विरोधाभासी आचरण कैसा है कि राम स्वरूप है लड़की के पिता और वो एक शिक्षित परिवार से है, मध्यम वर्ग से संबंध रखते हैं और वो महिलाओं का सम्मान करते हैं और महिला स्त्री शिक्षा के वो समर्थक भी हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या चाहते हैं, वो अपनी बेटी उमा को पढ़ाते हैं, कॉलेज भी करवाते हैं वो, ठीक है ना, और अपनी बेटी उमा को और भी जो शिक्षाएं हैं वो देते हैं, सिलाई वगैरह है, पेंटिंग वगैरह है, वो उनको सिखाते हैं अपनी लड़की उमा को। लेकिन वो इसके साथ ही वो क्या करते हैं, वो जब एक लड़का आता है, शंकर जो आता है उनके उस लड़की से विवाह करने के लिए, तो शंकर के जो घर वाले हैं अर्थात लड़के वाले जो हैं, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लड़की पढ़ी हुई कम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस कारण से वो जो लड़की का जो पिता है अर्थात राम स्वरूप जी हैं, वो लड़की की शिक्षा वाली बात को छिपा लेते हैं, ठीक है, वो छिपाना चाहते हैं। तो एक तरफ तो वो क्या करते हैं, लड़की को उन्होंने पढ़ाया है, लड़की को लड़के के समान आदर देना चाहते हैं, समान अवसर देना चाहते हैं एक तरफ तो, और दूसरी तरफ वो क्या करते हैं कि उस लड़की की शिक्षा की बात को वो छिपा भी लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि तुम एक एक तरीके से पेश आना लड़के के सामने और इस प्रकार से हमारी सम्मान को ठेस नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। उन्होंने जो भी बोला है हमको वो स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हम लड़की वाले हैं इसलिए हमको दब कर रहना पड़ेगा। तो ऐसा मानना बिल्कुल भी अनुचित है और ये क्या है, एक विरोधाभासी आचरण है, अलग प्रकार का आचरण है। एक तरफ तो स्त्री शिक्षा को महत्व देना, अपनी बेटी को पढ़ाना, और दूसरी तरफ लड़कों के लड़के वाले की इच्छा के अनुसार अपनी बेटी की शिक्षा को छिपा लेना, ये दोनों ही विरोधाभासी आचरण हैं, अलग अलग प्रकार के आचरण हैं। और फिर क्या कहा है कि राम स्वरूप द्वारा उमा से बनावटी व्यवहार की अपेक्षा। राम स्वरूप जी क्या करते हैं, उनको पता लगता है कि एक लड़के वाला कोई है वो देखने आ रहे हैं, एक परिवार वाले, तो वो क्या चाहते हैं, उनकी मानसिकता कैसी है। उन्होंने कहा था कि वो कम पढ़ी हुई लड़की चाहते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो क्या चाहते हैं, लड़की वाला जो राम स्वरूप है लड़की के पिता, वो क्या कहते हैं, लड़की पर जबरदस्ती दबाव बनाते हैं। क्या दबाव बनाते हैं कि तुम्हारे ये जो चेहरे पर चश्मा लगा हुआ है, इससे उनको लड़के वाले को पता लग जाएगा कि ये शायद अत्यधिक पढ़ने से लगा होगा शायद, ठीक है, यानी इसका मतलब ये पढ़ी लिखी है, तो तुम इस बात को जाहिर मत होने देना, नहीं तो हो सकता है कि शादी की बात वो होने से पहले ही टूट जाए, ठीक है ना। तो तुम ये पढ़ाई की बात को छिपा कर रखना, ठीक है, ये कोई जैसे कोई गलत बात है ये, इस प्रकार वो लड़की के पिता कहते हैं कि इस पढ़ाई की बात को छिपा लेना, ठीक है। तो वो राम स्वरूप जी क्या करते हैं, अपनी बेटी उमा से बनावटी व्यवहार करने की अपेक्षा करते हैं। क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं, कि तुम अपनी वास्तविकता को मत बता देना, बनावटी व्यवहार करना, ठीक है, उनके सामने एक अलग तरीके से पेश आना, ठीक है, तो ताकि उनको पता ना लग जाए कि ये पढ़ी लिखी है, ठीक है। तो इस प्रकार से बनावटी व्यवहार की अपेक्षा करते हैं राम स्वरूप जी। और राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद समान रूप से अपराधी हैं। इस पॉइंट से हम क्या समझते हैं कि जो गोपाल प्रसाद है वो लड़के का पिता है और वो क्या चाहता है, वो दोहरी मानसिकता उनकी कही जा सकती है, किसकी, लड़के के पिता की। किस प्रकार कि वो एक तरफ तो सोचता है कि वो सभ्य समाज में जी रहा है,
खुद भी शिक्षित हैं, उनका बेटा भी शिक्षित है, वो खुद वकील हैं, सभा सोसाइटी में जा रहे हैं, सभ्य लोगों से संपर्क वो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो शिक्षा को वो महत्व को वो स्वीकारते हैं कि लोग मांग शिक्षित होने चाहिए, क्योंकि आधुनिक समय है ये और मॉडर्न टाइम में टेक्नोलॉजी को भी हमको स्वीकार करना चाहिए, शिक्षा को भी हमको ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। तो ये गोपाल प्रसाद क्या है कि ये क्या है, अपराधी है, ठीक है, समाज के लिए ये एक प्रकार से अपराधी है, ठीक है। क्यों अपराधी है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं कि वो ऐसी बहू चाहते हैं, ऐसी वो लड़की चाहते हैं कि जो पढ़ी लिखी ना हो, ठीक है, तो इसलिए उनका आचरण बिल्कुल गलत है। और रामस्वरूप ये लड़की के पिता हैं, ये क्या करते हैं, ये भी उस लड़की को अपनी बेटी उमा को पढ़ाते हैं, लेकिन लड़के वाले के दबाव में आकर वो क्या करते हैं, खुद को लड़की वाला समझते हैं, खुद को हीन भावना से ग्रस्त समझते हैं और क्या करते हैं कि वो लड़की की शिक्षा को छिपाना चाहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो हैं, लड़की वाला और लड़के का पिता, दोनों जो है वो समान रूप से समाज के लिए एक अपराधी है, ठीक है। इसके बाद में है उमा का कथन। उमा ने क्या कहा, उमा से जब लड़के वाले पूछताछ करते हैं कि तुम्हें सिलाई आती है क्या, खाना बनाना आता है क्या, पेंटिंग आती है क्या, ठीक है ना, पढ़ाई कितनी की है, क्योंकि बहुत सारे सवाल जब उनसे किए जाते हैं तो वो परेशान हो जाती है और लास्ट में उनकी जब बात खत्म होती है तो वो बड़े क्रोध में आ जाती है, उग्र स्वभाव में लड़के वाले से कहती है, लड़के से और लड़के के पिता से, ठीक है, कि वो कहती है कि जो लड़के के पिता हैं उनसे कहती है कि तुम्हारा ये जो लड़का है शंकर, इसकी रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं है, चेक कर लो एक बार, ठीक है। गुस्से में आकर कहती है तुम मेरे बारे में इतनी, उमा क्या कहती है कि लड़के वाले पिता से कहती है, लड़के के पिता से कि तुम मेरे बारे में तो इतनी जानकारी इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या तुमको आता है, क्या तुम्हें गुण है, क्या कुशलताएं हैं, ये सब मुझे मेरे बारे में तुम जानकारी हासिल कर रहे हो, एक एक चीज छोटी छोटी चीज पूछ रहे हो, ठीक है ना, और मेरी पढ़ाई के बारे में पूछ रहे हो, ये चश्मा कैसे लगा, कितनी पढ़ाई तुमने की है, ठीक है, ये बातें तो तुम पूछ रहे हो, लेकिन तुम्हारे बेटे के बारे में तो तुमको पता है क्या कि ये जो कथन कहा गया, उमा ने क्या कहा था कि क्या तुम्हारे बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, ठीक है। वो क्यों कहा था, क्योंकि उसको पता था कि ये जो झुका हुआ रहता है इसकी रीढ़ की हड्डी में बैंड है, वो किस कारण से है, वो जब गर्ल्स हॉस्टल में उसकी बहुत पिटाई हो चुकी है और वहाँ की जो नौकरानी है वो उसके पैर में गिरकर उस लड़के ने, शंकर ने माफ़ी भी मांगी थी, ठीक है ना, तो तब उस उमा ने उसको देखा था, ठीक है ना, तो उसकी पिटाई हो चुकी है, यानी वो बुरे चरित्र वाला है, उसका चरित्र खराब है। तो इस प्रकार से वो कहती है कि इसका चरित्र भी खराब है और इसका शरीर भी खराब है, ठीक प्रकार से खड़ा भी नहीं हो सकता, तो ये विवाह की जिम्मेदारी कैसे निभा लेगा, एक महिला की जिम्मेदारी वो कैसे निभा सकता है, परिवार को कैसे चला सकता है, जो जिसका चरित्र ठीक नहीं है, जिसका शरीर साथ नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उमा के द्वारा उस लड़के पर व्यंग किया गया है। और समाज को आवश्यकता, समाज को किस प्रकार के लोगों की आवश्यकता है, उमा जैसी लड़की की आवश्यकता है समाज को, शंकर की आवश्यकता नहीं है। शंकर कैसा था, उसका चरित्र बेकार था और शारीरिक दृष्टि से भी वो कमजोर था, ठीक है, तो ऐसा लड़का नहीं चाहिए समाज को, समाज को उमा जैसी लड़कियां चाहिए, मजबूत, साहसी, निडर हो, ठीक है, स्वावलंबी हो, ठीक, इस प्रकार आत्मविश्वासी, इस प्रकार के गुणों वाली जो लड़कियां हैं वो समाज को मजबूत करेंगी और महिलाओं का एक मजबूत प्रतिनिधित्व समाज के सामने पेश करेगी, और वो खुद ही मजबूत नहीं होगी बल्कि पूरे महिलाओं को मजबूत करेगी, महिला समाज को वो मजबूत करेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से उमा जैसी लड़कियों की समाज को आवश्यकता है, जो कि
बुरे प्रवृत्ति रखने वाले, रूढ़िवादी विचारधारा रखने वाले लोगों पर व्यंग कर सकती है, उनको करारा जवाब दे सकती है। उसके बाद में हम देखेंगे कि इस चैप्टर में महिलाओं के बारे में कहा गया, तो महिलाओं के सम्मान हेतु हम कौन से प्रयास कर सकते हैं। तो महिलाओं के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले उनकी शिक्षा के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। तो कहा गया है कि अगर एक जो महिला होगी और उसको शिक्षित किया जाएगा तो क्या होगा कि वो पूरे परिवार को और कह सकते हैं कि पूरे समाज को वो शिक्षित कर देगी, ठीक है ना। तो इसलिए महिला को शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला तो काम है उसको शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में उसके उसके स्तर को सुधारने के लिए उसको नौकरी प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है। उसको नौकरी प्रदान की जानी चाहिए ताकि वो आजीविका चला सके, स्वावलंबी होकर, आत्मविश्वासी होकर अपना जीवन जी सके, ठीक है ना। और उसको समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, समाज में उसको समान अवसर दिए जाने चाहिए, हर क्षेत्र में उसको उसकी उपयोगिता है, ठीक है ना। तो उसको उसकी उपयोगिता स्वीकार करके उसको समाज के प्रत्येक क्षेत्र में उसको आगे आने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए, उसको संसाधन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए, ठीक है। तो ये सरकार का भी दायित्व है, ये सरकार भी कर सकती है। सरकार बहुत सी योजनाएं चला सकती है महिलाओं की शिक्षा के लिए, उनकी नौकरी के लिए, ठीक है ना, उनको समान अवसर देने के लिए। सरकार भी कर सकती है और समाज भी कर सकता है। समाज को भी अपने स्तर पर ये प्रयास करने चाहिए ताकि महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिल पाए, ठीक है। तो इस चैप्टर में, इस रीढ़ की हड्डी में क्या कहा गया है, सामाजिक खोखलेपन पर व्यंग किया गया है। और एक जो महिला है, उमा नामक जो लड़की है, वो महिला समाज का मजबूत प्रतिनिधित्व करती है। धन्यवाद।